नमस्कार, आपका स्वागत है राजनामा टीवी पे। मैं पूनम आपके साथ। हाल ही में चेन्नई में रजनीकांत की फिल्म जेलर का ऑडियो लॉन्च इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया। इस मौके पर एक्टर ने अपनी लाइफ से जुड़ी कई बातें शेयर की। इस दौरान तमिल सुपरस्टार ने अपने ड्रिंकिंग प्रॉब्लम पर खुलकर बात करते हुए उसे अपनी लाइफ की सबसे बड़ी मिस्टेक बताया। एक्टर ने अपने फैन से कहा कि अल्कोहल का दुरुपयोग न करें, बल्कि जिम्मेदारी से इसे एंजॉय करें। उन्होंने कहा, मेरी लाइफ में शराब ना होती तो मैं समाज की ज़्यादा अच्छे से सेवा करता। शराब पीना मेरी लाइफ की सबसे बड़ी गलती है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर शराब नहीं होती तो उन्होंने अपने करियर में भी कई बेहतर प्रदर्शन किया होता और आज से भी बड़े स्टार बन गए होते। रजनीकांत ने 2018 में रिलीज़ हुई अपनी फिल्म काला में अल्कोहलिज्म पर बात की थी। फिल्म में उनका किरदार नशे की हालत में अपनी लापरवाही के चलते पत्नी को खो देता है। यह पहली बार था जब एक्टर ने अल्कोहल के बुरे रिजल्ट पर बात की थी। इससे पहले तक वो शराब और सिगरेट को स्टाइल स्टेटमेंट के रूप में पेश करते थे। इसी के साथ बने रहे राजनामा टीवी के साथ। धन्यवाद।